हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ मेरा विंटर का जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो इससे पहले मैंने अपना समर का जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो विंटर का जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है, वो मैं आगे शेयर करूंगी। आज मैं सिर्फ आपको मेरा जो नाइट स्किन केयर रूटीन है वो दिखाऊंगी। तो अगर नाइट के टाइम हम बाहर जाते हैं, लाइक मैं अगर बाहर जाती हूँ मेकअप करती हूँ, तो पहले मैं मेकअप को रिमूव करती हूँ, उसके बाद फेस क्लीन करती हूँ। तो अभी मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया है, तो मैं यहाँ पर मेकअप रिमूव नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपना फेस जो है उसको क्लीन करूँगी। तो विंटर के टाइम जो है मैं फेस वॉश से अपना फेस क्लीन नहीं करती हूँ, मैं ऑलवेज क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करती हूँ। यहाँ पर ये ओशिया हर्बल का टर्मरिक क्लीन क्लेंजिंग लोशन है, आप देख सकते हो, बहुत अच्छा है। मैं लॉन्ग टाइम से इसको यूज़ करती हूँ, ये एक हर्बल प्रोडक्ट है एंड ये जो है मेरे स्किन में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील कर होने देता है। अगर विंटर के स्टार्टिंग से ही आप इससे जो है अपना फेस क्लीन करना स्टार्ट कर दो, तो विंटर में आपके फेस में बिल्कुल भी ड्राइनेस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मैं ये नवंबर से फरवरी तक मैं ये यूज़ करती हूँ, तो इसी से ही मैं अपना फेस जो है अभी क्लीन करूँगी। कैसे क्लीन करूँगी आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है तो ऐसे मैं ले लेती हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हो इतना सा प्रोडक्ट जो है मैंने लिया है, नॉर्मली इसको जैसे आप फेस पे मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। ज़्यादा टाइम नहीं, बस हल्का सा थोड़ा सा टाइम आपको इस तरीके से अप्लाई करके उसके बाद अपना फेस जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर देना है। तो अभी मैं फेस जो है अपना वॉश करके उसके बाद आती हूँ। सो मैंने अपना फेस जो है क्लीन कर लिया है। ये आपके स्किन को जो है बहुत सॉफ्ट बना देता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इससे फेस क्लीन करना विंटर के टाइम। तो आप देख सकते हो मेरा फेस जो है कम्प्लीटली क्लीन हो गया है एंड स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपका ड्राई स्किन है, एक्सेस ड्राई स्किन है, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार यूज़ करो, आपको फर्स्ट यूज़ में ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है। तो इससे मैंने अपना फेस जो है क्लीन कर लिया है। तो इसके बाद मैं बायोटिक का जो पोर टाइटनिंग टोनर है मैं वो यूज़ करूँगी। मैं ये भी लॉन्ग टाइम से यूज़ करती हूँ, आप देख सकते हो, इसको मैं इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल में डाल के रखती हूँ ताकि मैं अच्छे से स्प्रे करके इसको अप्लाई कर सकूँ। तो इसको मैं मैंने अपना फुल फेस में जो है अप्लाई कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से आपको इसको डैब डैब करना है ताकि अच्छे से आपके स्किन में ये अब्सॉर्ब हो जाए। ये टोनर जो है ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन स्किन जिनका है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरीके से आपको इसको अच्छे से अब्सॉर्ब होने देना है, उसके बाद ही आपको कुछ अप्लाई करना है। तो जब भी आप फेस क्लीन करोगे उसके साथ ही साथ आपको इस तरीके से आपके अपने फेस पे जो है टोनर अप्लाई कर देना है, चाहे वो डे टाइम में हो या फिर नाइट टाइम में हो। सब देख सकते हो टोनर जो है कितना अच्छा ग्लो दे रहा है स्किन में टोनर की वजह से, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसका प्राइस जो है काफ़ी कम है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक रिव्यू वीडियो बनाया है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंशन कर दूँगी। सो आप देख सकते हो टोनर जो है अच्छे से मेरे स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है एंड कितना अच्छा स्किन में जो है ग्लो कर रहा है। तो इसके बाद मैं एक नाइट क्रीम अप्लाई करती हूँ, ये है प्लम का ग्रीन टी नाइट जेल, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। ये मैंने सेकेंड टाइम परचेज किया है एंड ये भी ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट, ये बहुत ही अच्छा, आप देख सकते हो बस थोड़ा सा ही है, मैंने फिर से ऑर्डर किया है। तो इसको नाइट जेल को मैं अपने फुल फेस में इस तरीके से अप्लाई करूँगी। जिनका ऑयल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, बिल्कुल भी आपके स्किन में चिपचिपाहट फील नहीं होगा, ऑयलीनेस फील नहीं होगा। उसके बाद इस तरीके से आपको इसको अप्लाई कर देना है। जब भी आप फेस पे कुछ भी अप्लाई करोगे बहुत ही आपको सॉफ्ट हैंड से अप्लाई करना है। सो
सब देख सकते हो जेल जो है मैंने लगा लिया है, जेल अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब हो गया है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है स्किन में एंड स्किन जो है बहुत अच्छे से ग्लो कर रहा है। तो जिनका एक्ने प्रोन स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, वो ये जेल यूज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं अलग से रिव्यू वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी। तो मुझे बहुत ही पसंद है ये, आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा सा आपके स्किन में नाइट रिपेयर का काम करता है। इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी आई क्रीम। तो आई क्रीम जो है मैं ये भी लॉन्ग टाइम से एरोमा मैजिक का जो अंडर आई जेल है इसको यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आई क्रीम मैं रोज यूज करती हूँ, अगर आप अच्छा मॉइस्चराइजर या फिर अच्छा नाइट कोई भी जेल इस टाइप का यूज करते हैं उसको भी आप अंडर आई एरिया में अप्लाई करते हो तो उतना जरूरी नहीं है आई क्रीम। जैसे कि मैं आई क्रीम रेगुलरली मैं यूज करती थी, अभी नहीं करती हूँ क्योंकि अभी मैं कभी कभी इसको ही मैं अपने अंडर आई एरिया में, आपने देखा ही होगा मैंने अभी भी अप्लाई किया था, तो उस तरीके से अप्लाई कर देती हूँ। उसके बाद इतना सा बस जेल लेना है, आप देख सकते हो थोड़ा सा लेके इसको मसाज नहीं करना है, बस अप्लाई करके रख देना है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम अंडर आई एरिया में जब मसाज करते हैं ना तो एकदम यहाँ पर इस तरीके से क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मसाज करते हैं तो बाद में वो क्या है रिंकल हो जाता है। ये मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो इसलिए अंडर आई में कुछ भी आप लगाते हो तो इस तरीके से इसको जस्ट अप्लाई करके रख दो। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको अप्लाई करना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्किन केयर में, वो है लिप बम। तो यहाँ पर मैं लिनेज का लिप बम यूज़ कर रही हूँ। ये लिप बम बहुत ही अच्छा है, मतलब मैंने बहुत टाइप के लिप बम यूज़ किया है बट इसकी तरह अच्छा मुझे कोई भी नहीं लगा है। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है, बटरी स्मूथ बना देता है। आप अगर नाइट में इसको अप्लाई करके सो जाओ तो डे टाइम में आप देखोगे, मॉर्निंग में देखोगे आपका जो भी लिप्स का डेड सेल है वो निकल गया है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, ये एक्चुअली लिप स्लिपिंग मास्क है। तो इसको एज ए लिप बम आप यूज़ कर सकते हो, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राई लिप्स का प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप इसको परचेज कर सकते हो। ये सारा प्रोडक्ट जो है आपको नायका में मिल जाएगा या फिर आप किसी स्टोर से भी ले सकते हो, बट लिनेज का जो है ये सिर्फ नायका में ही मिलेगा। ये कोरियन ब्रांड है, बहुत ही अच्छा है ये लिप बम, आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करके देखो। थोड़ा सा ये प्राइसी है, 500 रुपीस प्राइस है इसका, बट ये आप 3 महीने यूज कर सकते हो। अगर सिंगल यूज करते हो तो 3 महीने तक ये चल जाता है। तो मुझे बहुत ही पसंद है, आप देख सकते हो मेरे लिप्स को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर दिया है। तो ये हो गया मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन विंटर के लिए। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं नाइट में यही करती हूँ। ऐसा नहीं है कि नाइट में बेड में जाते टाइम ही आपको करना है, अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो लाइक मैं आज घर पे ही हूँ तो उस टाइम आप इवनिंग में भी या शाम के बाद भी अपना फेस जो है क्लीन करके ये सब कुछ कर सकते हो। सो बहुत जल्दी मैं विंटर जो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।